नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री में। और ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं मोलैरिटी। इससे पिछले पार्ट में हम पीपीएम, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो आइए इस वीडियो को जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप वर्ड के ऊपर जाओगे तो आप इसी से निकाल सकते हो मोलैरिटी, मोल एंड एरिटी। इस वर्ड को भी आप एकदम याद रखिए कि मोल मोल कितने होते हैं आपके पास? कोई भी पार्टिकल का अमाउंट होगा आपके पास। अब मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ, कैपिटल एम के साथ हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये टर्म इजी से याद रखनी है क्योंकि इससे काफी ज्यादा सॉल्यूशन हमारे पास बनते हैं। क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, इन्हीं से हम बेसिक से सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं कोई भी हमें रिएक्शन करवाना हो। क्योंकि जो हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के होते हैं, तो इन्हीं का यूज करते हैं हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो मोलैरिटी यानी एम इज इक्वल टू, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताता, मैं आपको केवल डेफिनेशन पढ़ के बताऊंगा। आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा उसके थ्रू ही मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपका ध्यान एक्सप्रेशन में जाए। डेफिनेशन जो है वो एकदम रट्टा मारने की एक प्रक्रिया होती है जो कि आपको ज़्यादा दिन याद नहीं रहती, मगर आपको इक्वेशन ऑलवेज याद रहती है। और फॉर्मूले में या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे इक्वेशन का ही यूज करोगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक नॉर्मल वे में बता देता हूँ कि मोलैरिटी होती क्या है। मोलैरिटी होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी आपने कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किए हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कि आपने कितने नंबर ऑफ मोल या कितना सॉल्यूट ऐड किया है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? आइए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मोलरिटी आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय कितना, किस में ऐड किया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम्स या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सॉरी सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ गया मोलैरिटी का। यही है मेन एक्सप्रेशन, यही है आपके पास मेन डेफिनेशन मोलैरिटी की। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये आ गया आपके पास। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम या एक्सप्रेशन है आपके पास, तो यहां पे जो आपके पास टर्म बनेगी एम मोलैरिटी इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास मोल ऑफ सोल्यूट ही रहेगा। मोल ऑफ सोल्यूट हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, तो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, इन एमएल कन्वर्ट कर दिया इनको हमने एमएल में, इनटू कितने में डिजोल्व किया था हमने? 100 लीटर, यानी 1 लीटर में, तभी हमारे पास 100 ml बनेंगे। हमने इसे कन्वर्ट किया है इसे कन्वर्ट किया हमने ml की फॉर्म में, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया 100 ml। यहाँ पे लिख सकते हो आपकी 100 ml में इसे डिजोल्व किया गया है, तो इसे हमने कंसंट्रेशन के टर्म में ब्रेक किया है। अब इसमें एक और बात आती है कि आपके पास इसकी यूनिट्स क्या होंगे। तो मोल क्या है आपके पास? अमाउंट है। अमाउंट के यूनिट आपके पास क्या होंगे? मोल ऑफ सोल्यूट के क्या होंगे? मोल हो गया आपके पास, और जो आपके पास नीचे लीटर है इसके आपके पास यूनिट आएंगे मोल लीटर इनवर्स। तो इसके यूनिट आपके पास होंगे मोल लीटर इनवर्स, ये आपके पास इसके यूनिट आ गए। और इस फार्मूले को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। ये फार्मूला आप याद रखिए सिंपल से वे में। अब आपको पता होना चाहिए कि एन बी क्या होता है,
वी आपके पास क्या होगा। तो ये आपके पास सारी की सारी टर्म्स आ गई मोलैरिटी से रिलेटेड। मोलैरिटी में इतना ही है आपके पास, मोलैरिटी आपके पास हो गई। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। रिप्रेजेंट करते हैं इसे एम के साथ। ओके, और ये आपके पास डेफिनेशन हो गई। अगर आप इसको ब्रेक करोगे इन एमएल में तो ये आपके पास इस टर्म में आ जाएगी इनटू 100,000 करके, और ये आपके पास इसका ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया मोल पर लीटर, इसके यूनिट होते हैं। अब इसकी एक डिसएडवांटेज है आपके पास, डिसएडवांटेज। अब क्या डिसएडवांटेज है वो जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डिसएडवांटेज से ही पूछा जाता है। ओके, तो डिसएडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये टर्म डिपेंड करती है वॉल्यूम के ऊपर। ओके, अब जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ एक्सटेंड होगा। इट मीन कि उसका अगर वॉल्यूम एक्सटेंड हो गया, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो आपके पास मोलैरिटी कम हो जाएगी। अगर आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन कि इसकी ये लिमिटेशन है, ये आप याद रखिए कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। यही इसकी एक डिसएडवांटेज है कि जो कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी अगर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तभी वो उसी जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया होगा मोलैरिटी का वो उतना ही रहेगा, अदरवाइज वो आपके पास मूव होता रहेगा। ओके, तो इतना ही था मोलैरिटी में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास मोलैरिटी लेके आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट अभी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।